बांग्लादेश के खिलाफ तीसरी ओडीआई मुकाबले के लिए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित हो गई है। इस प्लेइंग 11 को देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के होश उड़ चुके हैं। भारतीय टीम में 3 बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में पहले 2 मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने जीत श्रृंखला को तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन भारतीय टीम अपनी इज्जत बचाने के लिए तीसरे मुकाबले में उतरेगी। तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान ने भारत की प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा चोट के कारण भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करते आपको नजर आएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत की इस खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करने आएंगे शिखर धवन और ईशान किशन। ईशान किशन को रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। नंबर 3 पर विराट कोहली दिखेंगे, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पर कप्तान केएल राहुल, जो कि विकेट कीपिंग करेंगे। केएल राहुल के बाद वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जिनको भारत की टीम में शामिल किया गया है, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक, ये होने वाले हैं भारत के 11 खिलाड़ी जो कि बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारत की टीम से उतरेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला को क्लीन स्वीप होने से रोक पाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।